हाउस कोर्ट ने बेंगलुरु की जलवायु कार्यकर्ता 22 वर्षीय दिशा रवि को दिल्ली पुलिस को 5 दिनों की रिमांड पर सौंपा है। उन्हें टूलकिट मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। दिशा रवि पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई टूलकिट को एडिट किया है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह वही टूलकिट है जिसे स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल किया था। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि दिशा रवि उस टूलकिट की एडिटर हैं और उस दस्तावेज को तैयार करने से लेकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करने वाली मुख्य साजिशकर्ता हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या होता है टूलकिट। टूलकिट किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया है या इस बात की जानकारी देता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, यानी इसमें एक्शन पॉइंट्स दर्ज होते हैं, इसे ही टूलकिट कहते हैं। इसमें किसी भी मुद्दे पर दर्ज याचिकाओं, विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन के बारे में जानकारी शामिल होती है। टूलकिट से ग्रेटा थनबर्ग का क्या कनेक्शन है, आइए हम आपको बताते हैं। इस मामले में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सबसे पहले 3 फरवरी को किसान आंदोलन से जुड़ा एक टूलकिट ट्विटर पर सोशल किया था। हालांकि इसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। इसमें ग्रेटा ने लिखा था, अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूलकिट की मदद ले सकते हैं। इसके बाद फिर 4 फरवरी को ग्रेटा ने दोबारा टूलकिट शेयर किया और लिखा, ये नई टूलकिट है जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस समय भारत में जमीन पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए आप चाहे तो उनकी मदद कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस टूलकिट को विद्रोह पैदा करने वाला दस्तावेज बताते हुए इसके लेखकों के खिलाफ IPC की धारा 124A, 153A, 120B के तहत केस दर्ज कर लिया। हालांकि इसमें किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अफवाह उड़ी है कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिसकी दिल्ली पुलिस ने खंडन किया। आरोप है कि इसी टूलकिट को बेंगलोर की दिशा रवि ने एडिट किया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया, जबकि प्रियंका गांधी ने शायरी लिखते हुए केंद्र पर तंज कसा है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।